हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस वक्त मैं हो गई हूँ तैयार, और तैयार हो गई हूँ जिम के लिए। प्रिंस पहुँच चुका है बॉम्बे, और वो आते ही निकल गया शूट पे अपने। और मैं फिलहाल अपने हाउस हेल्प की वेट कर रही थी, बट वो आज नहीं आई। आई हैव नो आइडिया वाई, बिकॉज मैंने एक नई आंटी को ट्रायल लेने के लिए बुलाया था घर के लिए, एंड लेट्स सी, आई एम गोना कॉल। तो आई थॉट मैं तब तक मैं जिम खत्म कर लेती हूँ जब तक प्रिंस अपना शूट करके आए, बट मैंने प्रिंस को फ़ोन लगाया। इज़ लाइक नहीं, मेरे बगैर तुम जिम नहीं करोगी, हम साथ में चलेंगे। ये अच्छी ज़बरदस्ती है यार। सो फिलहाल देन मैं निकल रही हूँ घर से बाहर, अपनी चाबी तो ले लूँ यार। तो मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा लंच हो जाएगा और तब तक प्रिंस का शूट ख़त्म हो जाएगा, एंड देन हम लोग साथ में जिम जा सकते हैं। एंड उसके बाद का क्या प्लान है मैं आपको बताऊँगी प्रिंस से मिलने के बाद ही, बिकॉज जब प्रिंस आ जाते हैं बहुत सारे प्लान चेंज हो जाते हैं। देन आई विल डेफिनेटली टेल यू। एम ए सी माई केस, पता चले मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, चाबी है नहीं मेरे पास। तो चलिए गाइस, घर से बाहर की तरफ निकलते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम घर को भी देना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे फिनिश करनी है। बट आई एम जस्ट थिंकिंग, क्योंकि हम लोग शिफ्ट भी होंगे, तो बिफोर आई शिफ्ट इंटायर हाउस, उसमें जितनी भी चीज़ें जो मुझे यूज़ नहीं करनी है, मैं उन चीज़ों को निकाल के सेपरेट रखने वाली हूँ। एंड जितने भी आसपास में मैं देखने वाली हूँ जहाँ पे अनाथ आश्रम है, वहाँ जाके अपने सारे कपड़े जूते, प्रिंस के कपड़े जूते, आई जस्ट वांट टू डोनेट, बिकॉज सब इतने टाइम से बहुत सारे कपड़े जूते ऐसे रखे हुए जो मैंने और प्रिंस ने पहने नहीं हैं, टैग के साथ हैं, एंड वो यूज़ में इस तरह नहीं आने वाले, बिकॉज समझ ही नहीं आ रहा है, इतने सारे कपड़े हैंडल करना आसान नहीं है। सो एंड आई एम सुपर एक्साइटेड, कल मैं आपको दिखाऊंगी, नॉट आज, वेट कीजिएगा कल का, कल मैं आपको दिखाऊंगी अपने नए घर का टूर, न्यू हाउस, एंड आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। की तरफ, मम्मी के घर की तरफ लंच करते हैं, और उसके बाद प्लान करते हैं जिम का। आई एम गोना रिक्वेस्ट प्रिंस की, यार मैं कर लेती हूँ जिम, लेट्स सी प्रिंस क्या बोलता है। कि जो खाना पीना हमें होता है तो इसको भी सेम चाहिए, और ये इसने फर्स्ट टाइम किया है ऐसे। अरे यश बंदर, अरे हाँ हाँ हाँ, दे दो इसको बस। आटे बाटे, आटे बाटे नहीं, इसको पीना है। युवान, अरे युवान, ये लो चाय, ये लो पियो, चाय पीनी है, ये लो ये लो ये लो, अरे स्वाद बॉडी पूरी नीचे जा रही है, ये लो करो ऐसे, पकड़ लो, का ये लो पकड़ो, ये लो पकड़ो, गुड बॉय। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है, इतना छोटा सा बेबी चाय पी रहा है, चाय नहीं पीनी, नहीं ना 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 ना, और इसका मुंह ऐसे ही रहा है, ये लो ये, इसका तो मम्मी पीते लो, ये लो ये पिएगा बहुत जल्दी, बॉटल बॉटल तो इससे ये तो पीता ही नहीं है, अच्छी बात है इसको आदत नहीं डाली बॉटल से दूध वगैरह पीने की, सीधा अभी ये कप मग ग्लास हर चीज जो हाथ में आए उससे पीना शुरू कर देगा, है ना। कॉफी पी लेंगे निकल के, नहीं बेबी वाओ, आई लाइक इट वेरी। घर के पेपर्स गाड़ी में कौन रखता है यार, उसको पूछ लेता हूं, तो जाना ही ना छोड़ दूं। सो गाइस, हमारा जो लोकल वाला वाला घर है, तो उसके पेपर्स प्रिंस ने गाड़ी में रखे हुए हैं, इमेजिन करो। सो जिम विम तो प्रिंस ने नहीं किया, और मुझे मेरे आफ्टर वर्कआउट मिल चुका है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्लान, घर चल रहे हैं। यू वांट टू हैव कॉफी, हॉट चॉकलेट, हां जल्दी उठा लेते हैं ना, ठीक है। सो प्रिंस विल हैव हॉट चॉकलेट, वी विल शेयर बेबा, ठीक है ना, वी शेयर एवरीथिंग। सो गाइस, हम निकल रहे हैं फिलहाल हॉट चॉकलेट की तरफ, ये भैया वहां से उठानी है, वो वाली यारी रोड से, कौन से कैफे से, हां ये तुम दूर तो मैं जाती हूं, मेरा डेडिकेशन देखिए भाई, बहुत पावर है। चलते हैं हॉट चॉकलेट पीने। गैस फेस ठीक हुआ है पहले से, गाइस प्रिंस का फेस पहले से ठीक हुआ है, प्लीज बताइएगा मुझे।
मंच पे और मेरा फेस तो गोल मोल होता जा रहा है। फीस तो मेरे पास है बेबा, पहले रखिए पहलवान को। रख दो नीचे, रख दो नीचे, जी नहीं ये चाबी मेरी वाली है, आपकी वाली चाबी में टॉय था, डोंट फाइट विद मी, डोंट फॉरगेट दैट। ये एक्सक्यूज मी थ्रेड नहीं था, इस ये घर की चाबी है जिसमें उधर वाले घर की भी चाबी है मेरे पास, की एक चाबी है मेरे पास, अंदर की चाबी नहीं है। सो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं घर और अब इंजॉय करेंगे बिग बॉस और आपसे मिलते हैं हम कल वाले व्लॉग में। आज के दिन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, बस यही किया। कल का दिन है स्पेशल बिकॉज कल मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना नया घर, तो भूलिएगा मत, रुक जाइएगा, सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ कल। द नेक्स्ट मॉर्निंग वेलकम बैक, और आज मैंने व्लॉगिंग शुरू की है घर से निकलते वक्त। चलिए मैं आपको होम टूर कराती हूँ हमारे होने वाले नए घर का, होने वाली मतलब हमारा नए घर का न्यू होम टूर। लोग क्या होंगे, ऐसे निकलते हैं घर, हम जा रहे हैं लास्ट पेपर साइन करने के लिए और फिर मिल जाएगा हमें हमारा घर। तो चाहिए इसने अपने आप ही फाइनल कर लिया सब कुछ, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, सो दिस इज माय फर्स्ट फीलिंग, सो आई एम गोना एंजॉय। ये पुराना हो गया है, कब से पेपर साइन कर रहा है, सब चीजें कर रही है, मैं फील लेने वाली हूँ बिल्कुल फ्रेश 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 एंट्री फ्रेश फ्रेश फील। कंग्रेचुलेशंस। So, ये है हमारी बिल्डिंग जिसमें है हमारा नया घर। क्या नहीं 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 यार, क्या तुम्हें कीड़े मकोड़े पसंद आते हैं? सो गाइज यब यार ये हमारा एमिनिटीज है, किड्स एरिया, प्रिंस कह रहा है मैं भी यहाँ खेला करूंगा, मैंने कहा जरूर इस पे मैं बैठूंगी। चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। दिस इज हाउ इट, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। Pull the ribbon. Guys, ये आ गई है finally. वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था, that's my dad's name. Yes, ये पापा का नाम है। So, मेरा था कि जब भी मतलब जितने भी properties लूँ, मेरे dad या फिर मेरी mom उसको अपनी ये मायके की लक्ष्मी करती है। बॉम्बे में गार्डन नहीं मिलता, सो दिस इज़ आवर गार्डन। इसके लिए यहाँ पर ज्यादा वेट किया बेसिकली। यस, हमारे डॉग्स, हमारे जो पंछी आने वाले हैं वो, हमारे दोस्त यू नो सब यहाँ पर बैठने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं। तो ये बिल्डिंग इसका बेस्ट अपार्टमेंट है। और इसकी मैं आपको खास कहानी सुनाऊंगी, पहले एक बार घर दिखा देती हूँ, क्योंकि जिस दिन हमने इसका जगह पे कदम रखा था, यहाँ शिफ्ट हुए थे इस बिल्डिंग में, उस दिन सबसे पहले ये घर पसंद आया था और उसके बाद तो इट वॉज अ स्ट्रगल। बैग बताऊंगी आपको कौन सा लेना है, ये लेना है, कोई और लेना है। छोटा सा स्टोर रूम है जहाँ पर मुझे लगता है कि यूनी के जूते होगा, सिर्फ यहाँ स्टैंड बनेगा पूरा। इतना सामान है गाइस हमारे पास, हम आप देख ही सकते होंगे मेरा वार्डरोब रूम एक अलग से बना हुआ है, और यहाँ पे हम आते हैं छोटा सा एरिया दे रहे हैं
सबसे अच्छी बात है कि यहाँ ग्रीनरी मिलती है, और उससे अच्छी बात है मेरे जितने कोरियर आते हैं ना कोई रिसीव नहीं करता दिल्ली में, तो मैं बोल यहाँ करके चले जाया करो। यहाँ आई वॉशिंग मशीन, तो मैंने डिसाइड कि कहाँ क्या करना है, पूरी किचन को रेडी कराना है। चलिए हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट रूम, जहाँ मेरा वार्डरोब रूम होता था। तो ये रूम है, ये वार्डरोब में रहेगा, स्टूडियो बन जाएगा। पहले डिसाइड कर लिया है, आज यहाँ से बात हम लोग के झगड़े चलने वाले हैं, क्या क्या होगा और ये है मास्टर बेडरूम, जो गंदा रखा है वो क्लीन हो जाएगा ना, कवर कर और मुझे खुद भी लिफ्ट से बहुत प्रॉब्लम है कि लिफ्ट की वेट करो कोई ऊपर नीचे आ रहा है, सो उन्होंने कहा घर वालों को टेंशन होती है कि ग्राउंड फ्लोर आना है, अच्छा ग्राउंड फ्लोर भी, और मेरे को भी जब आना है तो सीधा कोई लिफ्ट की झंझट नहीं है, सीधा ग्राउंड फ्लोर पे कर गया। तो अभी ये जो लिया था मैं कहा था कि यहाँ पर रहने के लिए क्योंकि हम इसके ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं, तो मुझे लगा कि पहले मैं ऊपर आकर देखूंगा कि कैसी वाइब है इधर की सोसाइटी की और उसके बारे में। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस, ये था हमारा होम टूर, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बहुत टाइम से मैं आपको बता रही थी कि ये घर होगा होगा होगा, बट कुछ ना कुछ यू नो, कभी हम शूट पे चले जाते थे, कभी मेजरली प्रिंस बिजी रहता था, कुछ ना कुछ डिले हो ही रहा था किसी ना किसी चक्कर में। बट फाइनली आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको हमारा नया घर कैसा लगा, एंड फाइनल हाउस जब बन जाएगा उसके बाद ऑफकोर्स मैं स्पेशल हाउस टूर कराने वाली हूँ। टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, लव योरसेल्फ एंड लिव योर लाइफ।